नमस्कार दोस्तों, एयरगन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत टाइम बाद शूटिंग की वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि लगभग 4 महीने तक मेरी सभी गन्स ऑयल लगाकर कवर में रही। वो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में थोड़ी मैंने निकाली, बाकी वो अंदर ही रही, तो इस वजह से शूटिंग वीडियो नहीं बनाई और कुछ बिजी रहा। तो आज हाँ, तो ये रहेगा हमारा टारगेट जो कि 15 मीटर अवे रहेगा। और ये जेएसबी एग्जैक्ट इस टारगेट पे फायर करूंगा मैं, और अपोलो हॉलो पॉइंट यहां, गैमो रॉकेट के लिए ये है टारगेट, और गैमो लीथल के लिए ये है। तो इसी पैटर्न में चलाऊंगा, सबसे पहले जेएसबी एग्जैक्ट, फिर अपोलो, फिर रॉकेट और फिर हॉलो पॉइंट। तो चलते हैं अपनी। तो ये रहेगी हमारी पोजीशन, ये मेरा रेस्ट के लिए, रेस्ट पोजीशन से जो कि 15 मीटर पे टारगेट है यहां से। तो यहां से जरा टारगेट की तरफ दिखाना, थोड़ा जूम करके, वो टारगेट है हमारा 5-5 राउंड फायर करूंगा मैं। सबसे पहले जेएसबी एग्जैक्ट से फायर करेंगे 5 राउंड और देखते हैं क्या ग्रुपिंग रहती है इसकी। सबसे पहले जेएसबी एग्जैक्ट 8.44 ग्रे पहला शॉट, पांच शॉट जेएसबी के हमने चलाए हैं, देखते हैं जरा कहां लगी है। तो ये 3 शॉट तो लगभग एक ही जगह घुस गए हैं, ये 2 नीचे लगे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा शूटर नहीं हूं, लेकिन इन 3 शॉट से हम देख सकते हैं कि अच्छा ग्रुप बन रहा है। ये 2 मेरी गलती भी हो सकती है। तो अब चलते हैं अपोलो हॉलो पॉइंट को, इस टारगेट पर फायर करेंगे। अब अपोलो होलो पॉइंट जो कि 9 ग्रेन में है, इसके 5 राउंड फायर करेंगे। अपोलो होलो पॉइंट का रिजल्ट देखते हैं क्या ग्रुपिंग रही इसकी। अपोलो होलो पॉइंट की ग्रुपिंग तो मुझे बहुत खराब लग रही है। यहां पर 2 पैलेट ये यहां एंटर कर गए जाके, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये तो बड़ा अजीब सी ग्रुपिंग है। एक तो बिल्कुल सेंटर में लगा है, तो कोई खास ग्रुपिंग नहीं है अपोलो की होलो पॉइंट की। तो अब गैमो रॉकेट को देखते हैं। तो अब गैमो रॉकेट 9.56 ग्रेन, ये बहुत अच्छा पैलेट होता है और ये बॉक्स में आता है, ये जिसे आप अपनी बेल्ट में यहां लगा सकते हैं, क्लिप लगे हैं इसमें, कैरी करने में आसान होता है ये। और ये जो इस पैलेट्स के बारे में नहीं जानते हैं वो देखें, ये इसके ऊपर एक स्टील का बीबी लगा है कॉपर कलर में ये, और ये काफी हार्ड होता है और डीप पेनिट्रेशन करता है ये। तो इसके 5 राउंड चलाएंगे अब। बहुत ही बढ़िया ग्रुप आया है ये, इसको हम बाद में स्केल से नापते हैं। ये लगता है मुझे 50 पैसे के सिक्के से ढक जाएगा ये। एक्चुअल में मैंने 0 जो गन की हुई थी जेएसबी के लिए की हुई थी, जो स्कोप मैंने 0 किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो जेएसबी के लिए किया था। इन पैलेट्स के लिए गन 0 नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं इसको 0 करूंगा तो ये सारा ग्रुप यहां आ जाएगा। तो ये बहुत प्यारा ग्रुप है। तो गैमो रॉकेट एक अच्छा पैलेट है और अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और
इससे भी ज्यादा अब मैं गैमो लीथल पे, जिसको कि बहुत सुपीरियर पैलेट मानते हैं और काफी महंगा पैलेट है ये, और क्योंकि ये लाइट वेट है पता नहीं ये हिट कहाँ करता है जाके, चलो देखते हैं कहाँ हिट करता है, क्योंकि वो 5.56 ग्रेन का है और काफी डीप पेनिट्रेट करता है, बहुत हार्ड पैलेट है जो गैमो लीथल है। तो गैमो रॉकेट के ग्रुप से मैं काफी खुश हूँ, तो NX200 को इसका मतलब गैमो रॉकेट तो पसंद है, GSB भी पसंद है, अब गैमो लीथल का देखते हैं। तो गैमो लीथल जो इनमें नॉन लेड पैलेट है और ये बहुत ही प्यारा पैलेट है, और इसमें सिर्फ 100 पैलेट्स होते हैं और हर पैलेट के ऊपर एक नंबरिंग की होती है, मैंने एक वीडियो में पहले भी दिखाया है, अगर यहाँ जूम करें इसमें शायद 3 लिखा हुआ है, अच्छा ये दूसरा देखें हम, हर पैलेट को एक नंबर, इसमें 5 है, ये 5 सबको सीरियल नंबर दिया होता है इसमें, और ये इसकी स्कर्ट फाइबर की होती है, बहुत ही हार्ड फाइबर है, मैं इसको फायर कर चुका हूँ पहले, ये स्कर्ट अलग रह जाती है और ये बहुत डीप पेनिट्रेट करता है जाके। तो गैमो लीथल के भी 5 शॉट हमने चला लिए, अब चलकर ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं इसका, और टारगेट को ही हम उठाकर यहां ले आते हैं। तो ये गैमो लीथल 3 तो यहीं घुस गए हैं एक ही जगह पे, एक में मेरा हाथ थोड़ा हिला, एक में मेरे से अर्ली फायर हो गया था ट्रिगर, मतलब दो मेरे से मेरी गलती हुई है 2 बार, एक में मुझे पता लग गया, लेकिन ये पहला था, ये बहुत ही बाहर था शायद, ये अभी स्लो मोशन से पता लगेगा। तो ये 3 एक ही जगह हैं। तो गैमो लीथल का जैसे मैंने बताया ये बहुत ही एग्जैक्ट पैलेट है ये, और ये अब इसको हम चल के देखते हैं, 3 इकट्ठे ही घुस गए ये। तो NX200 से 15 मीटर के डिस्टेंस से जो रिजल्ट आया है 4 डिफरेंट पैलेट्स का, वो अब हम पूरा आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जरा यहाँ जूम करेंगे इसको, पॉज कर दे। तो ये JSB एग्जैक्ट का ग्रुप लगभग ढक गया सिक्के से, 3 शॉट बिल्कुल एक ही जगह यहाँ देख सकते हैं आप, एक यहाँ और एक यहाँ, ये मेरी गलती से हो सकता है, और जो सबसे खराब ग्रुपिंग रही वो अपोलो की रही, जो कि मेड इन अर्जेंटीना है, तो बहुत बड़ा ग्रुप पा रहा है ये। तो अपोलो हॉलो पॉइंट का बहुत खराब ग्रुप, लगभग 1.5 इंच में है ये, 1.5 इंच एक तरफ को और 1 इंच दूसरी तरफ को, बढ़िया मुझे जो लग रहा है वो गैमो रॉकेट को भी हम मान सकते हैं। ये मेरे पास एक बिल्कुल छोटा सा 1 रुपए का कॉइन है, 4 पैलेट इससे ढक गए, इससे भी छोटे हैं जबकि ये 1, 2, 3, 4 पांचवा ये है। तो ये गैमो रॉकेट का, ये गैमो रॉकेट के पैलेट हमने साथ में रखे हैं, और एक और मेरा फेवरेट, यहां 3 पैलेट एक ही जगह घुस गए हैं जाके, गैमो लीथल जो काफी महंगा पैलेट है ये, 100 का बॉक्स लगभग 800-900 हजार रुपए के तक आता है ये, तो इसमें 3 एक जगह घुसे हैं, 2 में मेरा हाथ हिला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर कोई मुझे बोले कि आप कौन सा पैलेट इन चारों में प्रेफर करेंगे, तो मैं इन तीनों में से किसी को भी प्रेफर करूंगा, क्योंकि गन मैंने इसके ऊपर 0 की हुई थी, तो अगर मैं रॉकेट पे 0 करूंगा तो नेचुरली ये यहां आ जाएगा, इसके आसपास लगेगा आपके, तो क्योंकि गन एग्जैक्ट पे 0 थी तो ये सेंटर के काफी नजदीक आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट डालते रहें, धन्यवाद।